बच्चों, मैं आरजे सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। आज हम स्टडी करने वाले हैं बिहार बोर्ड 9th का पोएम सेक्टर आई एम लाइक ग्रास। ठीक है, ये 6th चैप्टर है। पास इसके राइटर हैं पास 1950 से 1988, यानी कि मात्र कितने हो गए 38 वर्ष ये हैं। वह जो मेजर पंजाबी पोइट, बहुत ही ये कैसे पोइट है तो पंजाबी पोइट है। हिज इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड लोक कथा, इन्हें कुछ काम है कौन कौन है, लोक कथा है, उदायन, भजन मगर हैं, एंड सारे समैन विच, सड्डे समैन विच, ये कुछ पंजाबी में लिखा गया है। ठीक है, द प्रजेंट पोएम आई एम लाइक ग्रास, आज का जो पोएम है आई एम लाइक ग्रास मतलब मैं घास की तरह हूँ, ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी बाय सुरेश सेट्टी, ब्रिटिश ऑप्टिमिज्म, बहुत ही आशावादी के साथ इन्होंने क्या किया है, इसको ट्रांसलेट किया है पंजाबी से इंग्लिश में। तो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं कि हैव यू सीन ग्रास, क्या आपने घास देखा कभी, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, क्या आपने घास देखा है, हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक ऑन इट, जब इस पर चलते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैन अ मैन बी कंपेयर टू ग्रास, क्या एक आदमी को ग्रास से कंपेयर कर सकते हैं, रीड द पोएम एंड सी वाई द पोएट थिंग्स हिमसेल्फ सिमिलर टू ग्रास, बताइए उसके बारे में, उस पोएम के बारे में बताइए, सोचिए बताइए कैसा है। ठीक है, क्या एक आदमी को हम तुलना कर सकते हैं घास से, तो आइए स्टोरी को समझते हैं जरा, इस सॉरी पोएम को। पोएम कुछ इस तरह है कि आई एम लाइक ग्रास, यू कैन चॉप मी मो मी डाउन, बट आई सेल स्प्रूट अगेन ग्रो एंड बाउंस बैक, ये बोलना चाह रहा है कि मैं घास की तरह हूँ और तुम मुझे काट सकते हो, तुम मुझे छाट कर हटा सकते हो, बट आई सेल स्प्रूट अगेन, मैं फिर से प्रस्फुटित हो जाऊँगा, मतलब मैं फिर से जन्म ले लूँगा, ग्रो कर जाऊँगा एंड बाउंस बैक, और मैं फिर से क्या करूँगा, हरियाली चारों तरफ फैला दूँगा। ठीक है, यू कैन ऑब्लिट्रेट माई साइन पोस्ट, तुम मेरे चिन्ह को समाप्त कर सकते हो, यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्सिटी, तुम विश्वविद्यालय को बम पटक पटक कर उसे समाप्त कर सकते हो, रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल, तुम उसे साफ कर सकते हो, ठीक है, मेरे पूरे पहचान को हटा सकते हो, यू मे स्क्रोच द स्लम्स, तुम पूरे झुग्गी बस्तियों को हटा सकते हो, बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, लेकिन तुम मेरे पहचान को मिटा नहीं सकते हो, बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं घास की तरह हूँ, आई विल स्प्रूट अगेन एंड माई मेंटल सेल्फ कवर एवरीथिंग, और मेरी जो मेंटलिटी है कि मैं फिर से क्या करूँगा, उस चीज़ को ढक लूँगा, चारों तरफ हरियाली ला दूँगा, तो मैं वही हूँ और मैं एक घास की तरह हूँ। देखिए इसको आप तुलना कर सकते हैं एज अ देखिए व्यक्ति के पॉजिटिव माइंड के थ्रू। ठीक ना, देखिए जब आदमी का पॉजिटिव माइंड होता है ना, तो वो क्या होता है, कितना भी आशा से हारा हुआ व्यक्ति हो, ठीक है, निराश व्यक्ति हो, ठीक है, अगर वो इस तरह से होगा लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी होगा ना, तो वो फिर से क्या होगा, हारने के बाद फिर दोबारा खड़ा होगा और क्या करेगा, जीत को जीत लेकर आएगा, है ना, जीत को लेकर आएगा वो, है ना। तो ये एक उसके लिए है, बोलने का मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है जो हारा हुआ है, लेकिन अपने पॉजिटिव माइंड सेट के कारण वो फिर से क्या होता है, अपने आप को बाउंस बैक करता है। ठीक है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा इंटेंशन भी होना चाहिए हमारा, कि हमें कहीं भी निगेटिव नहीं होना है और हमेशा अपने आप को बाउंस बैक करते रहना है। ठीक है, यू मे बॉम्ब बांगा, यू मे डिस्ट्रॉय संगरूर, तुमने क्या किया, बांगा में बॉम्ब पटका, संगरूर को डिस्ट्रॉय किया, एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना, तुमने क्या किया, लुधियाना के सारे डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया, टू इयर्स राख में बदल दिया, बट इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, परंतु ये समय की बात थी, टू इयर्स 10 ईयर्स, 2 साल, 10 साल और क्या, बिफोर माई ग्रीन मेंटल कवर्स एवरीथिंग, लेकिन मेरी जो हरियाली, जो मेरा मेंटलिटी है कि मुझे चारों तरफ हरा भरा करना है, तुम उसे नहीं रोक पाओगे, तुम 2 साल रोक पाओगे, 10 साल रोक पाओगे, 15 साल रोक पाओगे, 20 साल रोक पाओगे, लेकिन अंततः मैं फिर से जन्म लूँगा और मैं चारों तरफ क्या करूँगा, हरियाली फैला दूँगा, आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल, मैं फिर से क्या करूँगा, बहुत ही हरा भरा जंगल बनकर तैयार हो जाऊँगा, द ग्रीन जंगल ऑफ बामला वेयर टूरिस्ट विल विजिट मी, लोग आएंगे और क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, घूमेंगे बीच में ग्रीन जंगल, मेरे हरियाली को देखेंगे, बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं घास की तरह हूँ, यू कैन चॉप मी, तुम मुझे काट सकते हो, यू कैन मो मी, मुझे तुम चढ़ सकते हो, ठीक है, कतर सकते हो, बट आई विल स्प्रूट अगेन, लेकिन मैं दोबारा फिर से जन्म ले लूँगा एंड कवर एवरीथिंग, और क्या करूँगा, सबको ढक लूँगा। ठीक है, तो ये है एक पोएम, पॉजिटिव माइंड के थ्रू के इसको देखना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ कर लेंगे,
क्योंकि आप निगेटिव रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए दिमाग में बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के थ्रू रहना है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। आई होप ये आपको पोएम अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को देखते रहिए और नए नए नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड लक।